हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता शर्मा। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ सीजी टेट का ओल्ड क्वेश्चन पेपर, पर्यावरण अध्ययन का सॉल्व क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स, पिलाग्रा। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, बेरीबेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी नामक रोग होता है। विटामिन B1 के प्रमुख स्रोत मूंगफली, तिल, दाल, यकृत, हरी सब्जियां आदि हैं। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी से होता है तथा रिकेट्स एवं पिलाग्रा नामक रोग क्रमशः विटामिन डी एवं विटामिन B3 की कमी से होता है। रिकेट्स नामक रोग बच्चों में पाया जाता है और पिलाग्रा को 4D सिंड्रोम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया का भाग नहीं है? कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है, कार्य करने में खुद की मदद, कार्य सहज हो जाता है, प्रक्रिया का उपयोग बार बार किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है। रचनावादी शिक्षण के अनुसार अधिगम सदैव उस ज्ञान पर खड़ा होता है जो विद्यार्थी के पास पहले से होता है। इस पूर्व ज्ञान को स्कीमा कहते हैं। वस्तुतः समस्त अधिगम पूर्ववर्ती आरेख से छन कर आता है, अतः रचनावादी शिक्षण के अनुसार अधिगम उस अवस्था में अधिक प्रभावी होगा जब विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में अधिक सक्रियता से भाग लेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार ज्ञान पूर्ववर्ती ज्ञानधार से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, वहाँ पर आप छात्रों को कौन सी एक्टिविटी करने के लिए अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए, चिड़ियाघर के प्राणियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन की जानकारी प्राप्त करने के लिए, चिड़ियाघर में देखे जाने वाले प्राणियों के फोटोग्राफ इकट्ठा करने के लिए, अपने साथ ड्राइंग बुक रखने के लिए ताकि चिड़ियाघर में दिखने वाले प्राणियों का चित्र बना सके। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते समय छात्रों के द्वारा चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारे भोजन को एकत्रित करने की अनुमति नहीं देंगे, क्योंकि चिड़ियाघर में जानवरों को भोजन खिलाने के क्रम में उन्हें असुरक्षा की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षा निम्न में से कौन सी है? अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक मूल्य, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं के अंतर्गत पर्यावरण संबंधी अवधारणाओं, कौशल एवं जानकारी के साथ साथ पर्यावरण के संबंध में आदत एवं नैतिक मूल्यों को भी शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए केवल प्रयोगों पर आधारित, केवल व्याख्यानों पर आधारित, परीक्षा उन्मुखी, भागीतापरक एवं चर्चा आधारित। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, भागीतापरक एवं चर्चा आधारित। एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति भागीतापरक एवं चर्चा आधारित होनी चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थियों को पर्यावरण संबंधी विषयों पर अध्ययन कराने के क्रम में सबसे उपयुक्त शिक्षण पद्धति है कि शिक्षार्थियों को उन प्राकृतिक अभिदृश्य के साथ भागीतापरक को बढ़ाया जाए तथा तत्पश्चात उसके संबंध में उनसे चर्चा की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियाँ होती हैं, प्राथमिक सूक्ष्म उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, द्वितीयक उपभोक्ता। एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियाँ द्वितीयक सूक्ष्म उपभोक्ता हैं। तालाब में उपस्थित मांसाहारी मछलियाँ, केकड़े एवं सांप पाए जाते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। जल के आसपास रहने वाले पक्षी जैसे बगुला, सारस, कछुए आदि जो है बड़े आकार की मछलियाँ द्वितीयक उपभोक्ता का भक्षण करती हैं, इन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में
इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशलों को बढ़ावा देना, कक्षा की विविधता की पूर्ति। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य सीखने के लिए छात्रों को संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, जिनसे उनका संज्ञानात्मक ज्ञान उस प्राकृतिक भाग से अपने आप को जोड़ सके होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्न में से क्या होती है? सक्रिय भागीदार, सहायक, प्रेरक, मार्गदर्शक। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, सक्रिय भागीदार। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सक्रिय भागीदार की होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक अत्यंत आवश्यक एवं महत्वपूर्ण कारक है। यह शिक्षण प्रक्रिया में कई रूपों में अपनी भूमिका निर्वाह करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कारखाने में कार्य करने के लिए खाली स्थान से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14, 20, 15, 18। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, 14। किसी कारखाने में कार्य करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की नियुक्ति नहीं किया जा सकता। यूनिसेफ के अनुसार दुनिया में लगभग 2.5 करोड़ बच्चे जिनकी आयु 2 से 17 वर्ष के बीच है, वे बाल श्रम में लिप्त हैं। देश के बाल श्रम कानून में संशोधन ने बाल मजदूर की परिभाषा बदल दी है। वर्तमान में अब किसी भी हाल में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अनुभव की आवश्यकता का न होना, अवधारणा बनाना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, ज्ञान निर्माण के संदर्भ में अनुभव की आवश्यकता का न होना कथन गलत है। ज्ञान का निर्माण ज्ञान की ग्रहिता से पूर्णतः भिन्न होता है। इसके अंतर्गत विद्यार्थी प्राप्त ज्ञान को अपने अनुभव द्वारा परिवर्तन करते हुए उसका प्रयोग करते हैं।